कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि ममलुक डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने 1206 से सन 1210 तक राज किया था। उसने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। उसने दिल्ली से ही नॉर्थ इंडिया और ऐसे ही कई बड़े बड़े जगहों पर अपना राज शासन फैला लिया था। कुवातुल इस्लाम और कुतुब मीनार जैसे और भी कई पुराने मॉन्यूमेंट्स पे इसने अपना नाम लिखवाया था, यानी कि ये सारे मॉन्यूमेंट्स इसने बनवाए थे। सन 1210 में एक गेम ऑफ पोलो जो कि लाहौर में खेला जा रहा था, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। गेम के दौरान उसका घोड़ा गिर गया और उसके पीठ पे बांधे हुए सैडल पे उसका पैर फंस गया। उसी के वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। जब वो मर गया था तब उसे लाहौर में अनारकली के बाजार के पास दफना दिया गया। आरम शाह, जिन्होंने 1210 से सन 1211 तक शासन किया था, एक 40 नोबल्स का ग्रुप जिसे चिहलगानी कहा जाता था, वो आरम शाह के अगेंस्ट थी। आरम शाह ही वो व्यक्ति था जिसने इल्तुतमिश को भारत में बुलाया था। इल्तुतमिश ने आरम शाह को हरा दिया और सन 1211 में उसकी मृत्यु हो गई। तभी से इल्तुतमिश का शासन चालू हुआ। शामसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने सन 1211 से 1236 तक राज किया, उसने लाहौर जो कि कैपिटल था उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। इल्तुतमिश ने नसीरुद्दीन का बादशाह ऑफ मुल्तान एंड ताजुद्दीन यलूद ऑफ गजनी को भी मार दिया, क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि वो दोनों साथ मिलकर इल्तुतमिश को मारने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए इल्तुतमिश ने उन दोनों को भी मार दिया। सन 1221 वो साल था जो मंगोल्स इंडिया आए थे जलालुद्दीन की तलाश में, जो कि बैटल ऑफ इंदस हारने के बाद चंगेज खान से बचकर दिल्ली भाग आया था। सन 1221 में चंगेज खान मर गया। उसके बाद शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ने नॉर्दर्न इंडिया में अपने जो टेरिटरी थे वो सबको वापस हासिल किया, जो उसने चंगेज़ खान के साथ युद्ध में हारा था। ईयर 1231, हौज़ शामसी जो कि महरूली में बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने भी बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, कुछ आज भी मौजूद हैं।